अभी जो चमचमाती हुई बाइक आप लोग देख रहे हैं, गीतकार शशि गोस्वामी को आलम राज के द्वारा दिया गया है। हम पूछना चाहेंगे कि किस उपलब्धि में इस बाइक को दिया गया है। सबसे पहले ट्रू बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बधाई है। जी नमस्कार, सभी ट्रू बिहार के दर्शकों को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और आलम राज जी के द्वारा आपको हुंडा का बाइक दिया गया है, कितना खुशी व्यक्त करेंगे? जी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि पहली बार मेरे लाइफ में मुझे कुछ गिफ्ट मिला है और मेरा मन पसंद। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मुझे हुंडा एसपी 125 लेना है, और आलम जी को पता लगा तो ये कहें कि चलिए हम हैं। अच्छा भैया, आप क्या कहिएगा कि क्योंकि ये गीतकार के लिए बहुत बड़ी बात है कि बाइक दे रहे हैं और तमाम तरह के लोग चीज़ें अब कलाकार देते हैं अपने गीतकार को, क्या कहिएगा? देखिए अब हम क्या देंगे, सब देने वाले ऊपर वाले हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया। अब इनके लिए ये चूँकि 2014 से हमारे साथ कंटिन्यू काम कर रहे हैं, दोस्त बन के, भाई बन के, घरवैया बन के, झगड़ा लड़ाई करके जैसे भी हैं, 2014 से कंटिन्यू हम लोग हैं अभी तक। तो अगर ये कहते कि हमको स्कॉर्पियो लेना है, चार चक्का कोई लेना है, तो मैं वो भी इनको दे देता, लेकिन इनका भी दे देते हैं। हाँ, इनका च्वाइस था क्योंकि मैं खुद चढ़ता हूँ चार चक्का से। तो अगर ये कहते कि आप चढ़ रहे हैं इस पर, हम चढ़े इस पर, अगर ये कहते कि हमको चार चक्का चाहिए तो मैं इनको चार चक्का देता, लेकिन इनका च्वाइस था कि हमको बाइक ही चढ़ना है, क्योंकि चार चक्का में इनकी एक अंदरूनी प्रॉब्लम है जो मैं शेयर नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से मैंने कोशिश किया कि गाड़ी इनको चाहिए था, दो चक्का ही चाहिए था, तो मैंने बोला कि चलिए तो नया ले लीजिए। तो अब बहुत सारा मतलब रिलेशन है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा गाना इनका जो है, जो एंगल म्यूजिक के माध्यम से मैंने गाया, वो काफ़ी ब्लॉकबस्टर रहा है, काफ़ी सुना जाता है, और बहुत सारी गाने ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग में भी हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है। जब जाए तो जगह पे जाता, मैंने 2013 में गया था, आज 23 है, आज वो भी ट्रेंड कर रहा है। तो इस सब उस समय से ही हमारे साथ हैं, तो बहुत सारे रीज़न है। अब क्या क्या मैं बताऊं कि मैं किस लिए दिया, इसीलिए मैं दे दिया। भैया आगे क्या कहना चाहेंगे कि और क्या भोजपुरी के लिए करना होगा एक गीतकार के लिए, क्योंकि आज टू व्हीलर मिला, फोर व्हीलर के लिए क्या करना होगा और चीज़ें के लिए क्या करना होगा? जी फोर व्हीलर का तो कोई ऐसा सपना है नहीं, मेरे काम के अनुसार और मेरे काबिलियत के अनुसार ऊपर वाले हैं और जो देखने वाले हैं वो, और जो आलम जी हैं और आलम जी जैसे जो भी हमारे साथ फ्यूचर में भी होंगे, तो उनको जो सही लगेगा कि जिस लायक मैं हूँ वो तो खुद ब खुद मिलते जाएगा, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। दर्शकों के लिए क्या कहिएगा जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे भोजपुरी के और भी गीतकार हैं, जो गाना तो लिखते हैं लेकिन उनके उनको पैसा भी नहीं दिया जाता है, ऐसे सुनने में आता है, क्या कहिएगा? देखिए सबसे पहले तो हम सभी दर्शकों को फिर से नमस्कार करूँगा, और ये कहूँगा कि आप लोग जैसे प्यार दुलार देते आए आज तक हम लोगों को, और आगे भी देते रहें, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट आते रहेंगे। आलम जी के साथ एंगल म्यूजिक से अभी आया हुआ था, बहुत वायरल किया था, जब फिदा भी हर मर्द पे, अभी एक 15 अगस्त आया हुआ था, अब तिरंगा लहरी जागे चांद पे, तो लोगों का फीडबैक रहा कि ये बहुत अलग अलग चीज़ है, मार्केट से बहुत बहुत हटके है। और रहा बात कि हम हमेशा प्रयास करते हैं अलग करने का, और पहले राइटरों का या फिर अभी भी जो अस्तित्व है राइटर भाइयों का हमारे, चाहे हम भी हैं, चाहे अभी भी जो लोग हैं, चाहे जो शुरू से होते आए हैं, बहुत शोषण हुआ है और बहुत तकलीफ़ में जीते हैं, उनके गाने के 500 रुपये नहीं मिलते, 500 हज़ार नहीं, 1000 रुपये भी नहीं मिलते हैं। उसमें भी क्या होता है कि 10 गाने लिखें तो 2 गाने सिलेक्शन हुए नहीं हुए, गाने भी गा लिए गए और उनको पीछे घुमाया जाता है ऐसे। देखिए उसमें क्या है ना कि उसमें दोनों लोगों का दोषी है, राइटर भी अस्थिर ना होला कि गाँव जात के एक जगह रह के चाहिए, तो अस्थिर एक जगह केहू रही, हम ही बनी गाए, हम ही अगर एक जगह कंटिन्यू कहीं बानी, मैं कंटिन्यू एंगल म्यूजिक से गाता था, एंगल म्यूजिक ने मेरे दो दो चार चक्का दिया, प्रोवाइड किया, तो एक जगह रहिएगा कहीं तब ना किसी को विश्वास जीतिए, अभी कंटिन्यू हमारे साथ हैं। अब ऐसा ही कोई और राइटर किसी और सिंगर के साथ हो तो उनको भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए। मेरा च्वाइस था, इनका फरमाइश था कि हमको दो चक्का गाड़ी चाहिए, और मेरा च्वाइस है कि इनको एक नारी भी मिल जाए आप लोगों के सहयोग से। नारी भी मिल जाए, हाँ एक नारी भी। लेकिन एक गुजारिश रहेगा भैया कि अश्लीलता मुक्त गाने को लिखेगा, क्योंकि आपको टू व्हीलर मिला, फोर व्हीलर के लिए अश्लीलता नहीं लिखेगा। देखिए मैं अश्लील शुरू से नहीं लिखता हूँ, मैं शुरू से निर्गुण पूर्वी करते आया हूँ, और उसके बाद कंटिन्यू आलम जी के साथ एक से एक शास्त्र से जुड़ा हुआ भजन गवाया हूँ, जो कि आलम जी एक मुस्लिम कास्ट से भी हैं, और लोग कहते हैं
कि एक मुस्लिम होकर इतना अंदर का गाना गाए हैं, शास्त्र से अंदर है। हाँ, और मैं सबसे ज़्यादा वही लिखता हूँ और कंटिन्यू चाहता हूँ कि वही हो, मगर मार्केट की कुछ मजबूरियाँ हैं कि कुछ वैसे भी चलते हैं तो नाच गाने के अनुसार और कुछ चटनी के अनुसार कभी कभी थोड़ा बहुत दो अर्थी पड़ोसना पड़ता है। ध्रुव बिहार देखने वाले दर्शक भाई, सब काम एक तरफ, गाड़ी आ गई है, एक नारी प्रोवाइड कर। नहीं नहीं, चलिए, बाकी एक गीतकार के लिए बहुत बड़ी बात है कि अब टू व्हीलर मिल रहा है, बहुत सारे गीतकार को फोर व्हीलर भी मिल रहा है। बाकी आलम राज के बारे में और शशि गोस्वामी जो कि बहुत अच्छे गीतकार हैं, ना जाने इनके कल में कितने गाने लिखे हैं और कितने गाने को सुपर डुपर हिट करवाए हैं। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय भोजपुरी।